बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। बहिरा रूम और बहिरा अस्वद में अपने हकूक का दिफा करना जानते हैं, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बड़ा ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा हफ्ते व्हाइट हाउस में इसराइली वजीर आजम से मुलाकात का मनसूबा मंसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। ईरान इकवामे मुतहिदा को खुफिया जोहरी तंसीबात तक रसाई देने के लिए तैयार। भारत में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, जराय में अजाफा। अमरीका ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया। बहरीन ने इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक अपना फैसला सुना दिया। एक जानिब कशीदगी और दूसरी जानिब इक्तसादी माहिदों पर पेशरफ्त। चीन और अमरीका के दरमियान बड़ा माहिदा तय पा गया। इकवामे मुतहिदा की सलामती कौंसिल का ईरान पर पाबंदियां लगाने से मुतल्लिक अहम फैसला। वजीर आजम इमरान खान का चेयरमैन अफगान मुफामती कौंसिल अब्दुल्ला अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता। तुर्की की यूनान को एक बार फिर धमकी, तनाजा का फौजी हल पागलपन होगा। जर्मनी ने दोनों ममालिक को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बहिरा रूम और बहिरा अस्वद में अपने हकूक का दिफा करना जानते हैं, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान। इत्तला के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तकरीबन 1000 साल कबल तुर्क फौज की एक अहम फतह के सिलसिले में मुनक्के तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि तुर्की बहिरा रूम के साथ साथ एजियन और बहिरा अस्वद में जो कुछ भी इसका है वो जरूर लेगा और अपने हकूक का दिफा भी करेगा। इस तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि किसी भी दूसरे मुल्क की सरजमीन खुद मुख्तारी या मफादात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारा है हम इस हवाले से कोई रायत नहीं बरतेंगे। एर्दोगान ने यूनान के साथ समुद्री इलाके और तवानाई के वसाइल के सिलसिले में तुर्की के हकूक के बारे में तनाजात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तुर्की हर किसी से दरख्वास्त करता है कि वो ऐसे गलत इकदाम उठाने से ग्रेज करे जो तबाही का सबब बनेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा हफ्ते व्हाइट हाउस में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात का मंसूबा मंसूख कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका में मौजूदगी को खुफिया रखने की मुबैना शर्त पर अमल दरामद न होने की वजह से दौरा मंसूख किया है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली वजीर आजम के दरमियान मुलाकात का प्रोग्राम सिर्फ मसाफे तक महदूद था। उन्होंने रिपब्लिकन कन्वेंशन के इख्तिताम के बाद 31 अगस्त को वाशिंगटन दौरे पर जाना था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के अमरीका में मौजूदगी को खुफिया रखने की शर्त पर अमल दरामद न होने की वजह से दौरा मंसूख किया गया है। मिडिल ईस्ट आई का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात के लिए अगले हफ्ते तयशुदा अमरीका का दौरा इसलिए मंसूख किया है कि उन्हें मुबैना तौर पर यह खदशा लाहिक था कि खबरें लीक हो चुकी हैं और ऐसी सूरत हाल में इनकी अमरीका में मौजूदगी एक डरावना ख्वाब भी साबित हो सकती है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो लोग इस मुलाकात के लिए दबाव डालते रहे थे इनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनके दामाद और मशीर शामिल थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा के अदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ एक माह की कश्मकश के बाद दो सबका खुफिया एटमी तंसीबात तक रसाई देने पर इत्तफाक कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि ईरान अक़वामे मुत्तहिदा के अदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को खुफिया जोहरी तंसीबात तक रसाई देने के लिए तैयार हो गया है। दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहिदा IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के तेहरान के दौरान आला सतह के मुज़ाकरात के नतीजे में हुआ। राफेल ग्रोसी और ईरानी जोहरी एजेंसी के सरबराह ने मुश्तरका बयानिए में कहा है कि ईरान रजाकाराना तौर पर IAEA को इनकी जानिब से बताए गए दो मकाम तक रसाई देगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, भारत में दहशत गर्दी इंतहा पसंदी जराइम में इजाफा, अमेरिका ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका ने अपने शहरियों के भारत का सफर करने के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी और मशवरा दिया है कि वो भारत का सफर ना करें। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी में भारत को कैटेगरी 4 में रखा गया है, जो सफर के हवाले से बदतरीन दर्जा बंदी है। ये दर्जा बंदी दहशतगर्दी, खाना जंगी, मुनज्जम जराइम और वबा जैसी वजूहात की बिना पर दी जाती है। अमेरिका ने इस कैटेगरी में शाम, ईरान, इराक और यमन जैसे मुल्कों को रखा हुआ है। अमेरिकी एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि भारत में मुनज्जम जराइम और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को वहां का सफर करने से मना किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, बहरीन के बादशाह ने माइक पोम्पियो से मुलाकात के दौरान इसराइल को तस्लीम करने के मुतालबे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि अरब अमारात के खुद मुख्तार फलस्तीन के मुतालबे के साथ खड़े हैं। बहरीन मीडिया के मुताबिक मुतहदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ सफारती तालुकात की बहाली के ऐलान के बाद अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो इसराइल पहुँचे, जहाँ एक दिन के आम के बाद वो मशरक़ वस्ता के अरब ममालिक के दौरे पर बहरीन पहुँचे हैं। बहरीन के बादशाह अहमद बिन ईसा के साथ मुलाकात के दौरान माइक पोम्पियो ने इसराइल को तस्लीम करने से मुतलिक अमरीकी सदर का पैगाम पहुँचाया, जिसे मुस्तरद करते हुए बहरीन के सदर ने कहा है कि वो दीगर अरब ममालिक के इसराइल के इनखला और फलस्तीन को खुद मुख्तियार रियासत बनाने के अजम के साथ खड़े हैं। और अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के अरब ममालिक की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के दबाव को वाजिया तौर पर मुस्तरद करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, अमेरिका और चीन ने कई शोबों में जारी कशीदगी के बावजूद इस साल जनवरी में तय पाने वाले बाहमी इक्तसादी और तजारती माहदों पर अमल दरामद को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। दोनों मुल्कों के आला हकाम ने मंगल को फोन पर तजारती माहदों के पहले मरहले को आगे बढ़ाने के सिलसिले में बातचीत की। अमरीकी नशरियाती अदारे के मुताबिक इस माहदे के तहत चीन 2 बरसों के दौरान अमेरिका से $200 बिलियन का सामान खरीदेगा, जिनमें कारें, मशीनरी, तेल और ज़रई पैदावार शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर आलमी पाबंदियां आयद करने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद करते हुए कहा है कि मौजूदा सूरत हाल ऐसी नहीं है कि अमरीकी करारदादों पर मजीद कार्रवाई की जाए। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसके इतिहादी ममालिक की जानिब से ईरान पर पूरी तौर पर आलमी पाबंदियां आयद करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस मकसद के लिए अमरीका की जानिब से एक करारदाद भी पेश की गई थी, जिसे फिलहाल अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुस्तरद कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अफगान तनाजा का हल फौजी नहीं है, मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी करदा अलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान मुफामती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला को फोन किया और पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात की हमायत पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजहब, सकाफत, मुश्तरका तारीख और लोगों के मबैन बरादराना ताल्लुकात पर मबनी है, जिन्हें मजीद गहरे करने के लिए तमाम शोबों में ताबुन बढ़ाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के लिए बतौर कौमी मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन ने ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का करदार मस्बत है और जल्द अज जल्द इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के आगाज का मुंतजर है। उम्मीद है कौंसिल कामयाबी के साथ अपने मकासद को हासिल करेगी। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला को जल्द अज जल्द पाकिस्तान आने की भी दावत दे दी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं, जर्मनी ने मशरक़ बहेरा रूम में कुदरती गैस की तलाश के तुर्की इकदाम के बाद पैदा होने वाले तनाज़े को सियासी तरीके से हल करने पर जोर दे दिया और कहा है कि यूनान और तुर्की के दरमियान कशीदगी को फौजी तरीके से हल करना पागलपन होगा। मीडिया के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा ने अपने जर्मन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मशरक़ी बहेरा रूम तनाज़ा में इजाफा हुआ है, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा है कि इस तनाव और कशीदगी का जिम्मेदार यूनान है और इसके साथ इसकी कीमत चुकाना पड़ सकती है।
जर्मन सफीर ने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की और यूनान के दरमियान फौजी हल पागलपन होगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोई इस तनाजे को फौजी ज़राए से हल नहीं करना चाहता। दोनों ममालिक बातचीत पर आमादा हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।